बहुत बड़ी काली लंबी बालों वाली टांगे हैं। वो मकड़ी तुमसे ज्यादा डरी हुई होगी, तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। लेकिन वो बहुत बड़ी है, एक पेड़ से भी बड़ी है। और तुम सब भाग गए। अब पूरा झुंड जंगल में निकल गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस खतरे और बंदरों के इस तरह जंगल में सभी के इलाके में बिखरने से सभी जानवरों पर असर पड़ सकता है। अगर वो मकड़ी इतनी बड़ी है जितना ये बता रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको साथ मिलकर इस मकड़ी से निपटना होगा और हमारे दोस्तों को उनका इलाका वापस करवाना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार को ले आएगी और जंगल का हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा है, तो अब हम चलें। तब तक के लिए तुम बंदरों का यहाँ स्वागत है। किसी को कोई पत नहीं बनी है? हाँ, स्वागत है। वैसे मेरे इलाके में तो नहीं है, मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ और ये बंदर मुझे सोने नहीं देते। पता है उन्हें भी आराम नहीं मिलेगा। मेरे कांटे हर किसी को पसंद नहीं आते। अरे यहाँ भी नहीं, इन बदमाशों ने छुपने की कोशिश में मेरी मान को तोड़ कर बर्बाद कर दिया है। मैं इन सब बदतमीज बंदरों के साथ नहीं रह सकता। जब किसी में से बदबू आती हो तो उसे चुप रहना चाहिए। माफ करना, हम सबके रहने या बच्चे पालने का तरीका एक जैसा नहीं है। इसकी वजह से हमें और बंदरों दोनों को बहुत परेशानी होगी। देखो, हमें इस मकड़ी वाली समस्या का समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने कुछ और जानवरों से बात की है कि मैं इन सबकी नेता हूँ और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बंदर यहाँ रहें। वो सबके लिए मुसीबत है। कौन कहता है कि ये मकड़ी हमारे इलाके में घुसने का एक बहाना नहीं है? एक बहाना? जब उसे देखोगी तो डर के भाग जाओगी। हे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तब तक